अमेरिकन वेस्ट के रॉकी माउंटेन्स में एक ऐसी जगह है जैसी शायद इस दुनिया में और कहीं नहीं होगी। ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क। यह वाइल्ड और दूर दराज येलोस्टोन हमारे सबसे बड़े खजानों में से एक है। ये लैंडस्केप बहुत ही अनोखा है। इसकी बेमिसाल खूबसूरती देखने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। पर इसकी असली सुंदरता को सिर्फ सड़कों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए पार्क में सबसे वाइल्ड हिस्सों में जाना होता है ताकि इसकी अदम्य प्रकृति को देखा और रिकॉर्ड किया जा सके। हम कई बरसों से ऐसे ही एक छिपे हुए येलोस्टोन को खोजते आए हैं, ये रिकॉर्ड करने के लिए कि आखिर क्या बात इसे दुनिया के सबसे अनोखे इकोसिस्टम्स में से एक बनाती है। तो चलिए हमारे साथ और जायजा लेते हैं हर मौसम में इस पार्क का। हम चलेंगे येलोस्टोन के अंदरूनी हिस्से में जो इस दुनिया के सबसे मुश्किल और डायनेमिक लैंडस्केप्स में से एक है। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा येलोस्टोन जो वाइल्ड भी है और किसी कविता जैसा भी, रोमांच से भी और खतरे से भी भरा हुआ। सर्दियां इस पार्क का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल मौसम होता है और शायद सबसे बेरहम। इस मौसम में रोजाना का तापमान 0 डिग्री से शायद ही ऊपर होता हो। ठंड बहुत है और इस दौरान यहां सिर्फ सबसे सख्त जान जीव ही जिंदा बचते हैं, जैसे कि ये बिग हॉर्न शीप। किसी वयस्क और पूरी तरह विकसित रैम के सींगों का वजन उसकी कुल हड्डियों से भी ज्यादा होता है। किसी बिगहॉर्न शीप के इन बड़े और मुड़े हुए सींगों को पूरी तरह विकसित होने में 2 से 3 साल लगते हैं। सर्दियों के शुरुआती दौर तक रट यानी मिलन का मौसम जारी रहता है और इस दौरान भी आप अपना दबदबा कायम रखने के लिए लड़ रहे मेल्स को देख सकते हैं। अगर बात सख्त जान होने की हो तो अमेरिकन बाइसन को कोई मात नहीं दे सकता। इन जीवों को कुदरत ने इसी तरह के मौसम के लिए बनाया है। किसी वयस्क बाइसन का वजन 900 किलो तक हो सकता है और ये 1 टन तक मेटाबॉलिक हीट पैदा करता है और इसके ऊन जैसे घने बालों की परत इस गर्मी को अंदर ही समेटे रहती है और इतने बड़े शरीर को ताकत देने के लिए ये रोजाना 11 किलो तक घास खाते हैं। इनके हम्प यानी कूबड़ में जो ताकतवर मसल्स होती हैं, उनके इस्तेमाल से ये अपने सर को बर्फ में मारकर घास को बाहर निकाल लेते हैं। अपनी मोटी खाल और फैट की कई लेयर्स की मदद से ये ठंड से बचे रहते हैं।
साथ ही इनके लंबे गार्ड हेयर्स इन्हें नमी और हवा से भी बचाते हैं। यानी इन जीवों के पास वो हर चीज है जो इन्हें येलोस्टोन की सर्दियों में जिंदा रहने के लिए चाहिए। सर्दियों में पार्क में रहने वाले जीवों में भेड़िये फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। ये भेड़िया इस तरह आवाज निकालकर अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। जब भी मौका मिलता है वो बाइसन को अपनी खुराक बनाते हैं, पर बाइसन ताकतवर होते हैं और उनमें जवाबी टक्कर देने की फितरत होती है, तो भेड़ियों का झुंड आसान शिकार की खोज के लिए बर्फ से जमे बियाबान में और आगे बढ़ जाता है। ये माउंटेन लाइन फैमिली आज पूरे दिन तूफान के गुजर जाने का इंतजार करती रही। माउंटेन लाइन्स शर्मीले और कम दिखने वाले जीव होते हैं। ये अक्सर रात में निकलते हैं। ये बच्चे जब तक 2 साल के नहीं हो जाते अपनी माँ की देखरेख में रहेंगे और इस दौरान माँ इन्हें वो सब कुछ सिखाएगी जो इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सर्दियों का तूफान गुजर गया है और पार्क में रात का वक्त है। माँ और बच्चे अपनी मांद से बाहर निकलते हैं। ये बच्चे अब 6 महीने के हैं। ये माँ के साथ शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो ये अकेली ही शिकार पर निकलती है, शिकार पकड़ती है और अपने बच्चों के पास लौटकर उन्हें इसे खिलाती है। इस तरह के एक छोटे हिरन से परिवार का पेट 2 से 3 दिन तक भरता रहेगा। ये शिकार खाएंगे, खेलेंगे
और रात में सोते रहेंगे। जब सुबह होगी तो ये अपनी सुरक्षित मांद की तरफ लौट जाएंगे। जब ये करीब एक साल के हो जाएंगे तो माँ इन्हें शिकार पर ले जाने लगेगी। ये दो कायोटीज बाइसन के एक बच्चे के बचे खुचे अवशेषों को खा रही हैं। पर इसकी मौत येलोस्टोन के उन वासियों को जिंदा रहने के लिए जरूरी खुराक मुहैया कराती है जो स्कैवेंजिंग के जरिए पलते हैं। मौका परस्त कौए लगातार कायोटीज के धीरज को चुनौती देते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा खुराक चुराने की कोशिश करते हैं। कायोटी के सामने भरपूर दावत मौजूद है तो ये इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। छोटी सी चालाक लोमड़ी ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये कायोटी खुराक बांटने के मूड में है। तो ये लगातार इंतजार करती रहती है। आखिरकार कायोटी यहां से हट जाती है और लोमड़ी आगे बढ़ती है। कायोटी इलाके की निशानदेही करके ये साफ कर देती है कि ये खुराक इसकी है। और फिर तेजी से इसे खाने के लिए लौट आती है। इस लोमड़ी को अपना डिनर हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोमड़ियां भेड़ियों और कायोटी से रिश्ता रखती हैं और कैट्स के साथ इनकी ज्यादा समानता है। ये अकेली रहती हैं, रात में सक्रिय होती हैं और अपने टोस पर चलती हैं, जिससे इन्हें किसी कैट जैसी शानदार चाल मिलती है। कुदरत ने इन्हें लो फ्रीक्वेंसी सुन पाने लायक कान दिए हैं और ये बर्फ के नीचे मौजूद जीवों की आवाज भी सुन सकती हैं। इनका शिकार का अंदाज भी कैट्स जैसा ही होता है। ये धीमे धीमे तब तक शिकार का पीछा करती हैं जब तक वो इनके दायरे के हमले में नहीं आ जाता। और ये बात इन्हें शानदार शिकारी भी बनाती है और दिखने में काफी मजेदार भी। Thank you.
जहां तक नजर जाती है पार्क में बर्फ की चादर बिछी दिखाई देती है। खुराक की तलाश में कई झुंड इस इलाके में घूमते रहते हैं। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड इस इलाके से होकर गुजर रहा है। भेड़िये खाने की तलाश में एक दिन में 48 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं। येलोस्टोन में भेड़ियों और बाइसन का सामना अक्सर होता रहता है, पर अगर बाइसन के झुंड में कोई बीमार या कमजोर बाइसन होता है तभी भेड़िये उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रभुत्वशाली अल्फा नर और मादा झुंड को लीड करते हैं। अल्फा जिंदगी भर जोड़ा बनाकर रहते हैं और झुंड में सिर्फ यही मिलन कर सकते हैं। बाकी झुंड में या तो इनके बच्चे होते हैं या फिर इनके भाई बहन। पास ही हमारी कायोटी अब भी पिंजर के बेशकीमती निवालों का मजा ले रही है। कायोटीज की सूंघने, देखने और सुनने की ताकत कमाल की होती है। इसे फौरन ये पता चल जाता है कि कोई पास है। एक भेड़िया करीब आता है तो हमारी कायोटी बिना उससे उलझे यहां से चली जाती है। ये अपने से दोगुने साइज वाले भेड़िये से टक्कर नहीं ले सकती। उन्नीस सौ के दशक की शुरुआत में इस पार्क से भेड़ियों का सफाया हो गया था, लेकिन फिर 1995 में इन्हें दोबारा यहाँ छोड़ा गया और तब से ये यहाँ फलते फूलते रहे हैं। पर इनके असर ने हर चीज को ही नई शक्ल दे दी है। अब चाहे नदी के किनारे हो या फिर शिकारी पक्षियों की संख्या और एल्क और बाइसन के पहले से बड़े झुंड। अल्फा मादा वुल्फ मांस का एक टुकड़ा अपने झुंड के साथ शेयर करने ले जा रही है, पर इससे कायोटी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये भी मांस के एक टुकड़े का लुत्फ उठाने के लिए उसे लेकर चली जाती है। झुंड मांस के इस नए मिले टुकड़े को एक दूसरे के साथ बांटता है। भेड़ियों के झुंड आपस में बेहद मिलनसार होते हैं और रुतबे का पालन बड़ी सख्ती से करते हैं। झुंड में हाल ही में आया एक सदस्य लालच दिखाते हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेकर चुपके से चला जाता है। इसकी पूंछ इसकी टांगों के बीच है, जो विद्रोह भी दर्शा रही है और समर्पण भी। लेकिन इस हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। एक और भेड़िया उसके पास आकर अपना दबदबा दिखाने लगता है।
जल्द ही एक और भेड़िया आ जाता है। ये इस पर गुर्राने और झपटने लगते हैं। ये सबमिशन तो दिखाता है पर हल्का सा जवाबी हमला भी करता है। इस बीच और भेड़िये आ जाते हैं। भेड़िये एक दूसरे को आंकने और झुंड में अपनी जगह पक्की करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। ये रस्सा कशी तब तक जारी रहेगी जब तक इस भेड़िये को या तो झुंड में शामिल नहीं कर लिया जाता या झुंड से निकाल नहीं दिया जाता। बेरहम सर्दियां सबसे सख्त जान जीवों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, चाहे खुराक ढूंढना हो, झुंड में शामिल होना हो या फिर जिंदा रहने के लिए खुद को गर्म रखना हो। येलोस्टोन के ये वासी इन सब चुनौतियों के लिए पूरी तरह ढल चुके हैं। सर्दियां येलोस्टोन पर अपनी जकड़ को धीरे धीरे ढीला छोड़ती जाती है, लेकिन 8000 फीट की औसत ऊंचाई पर बसंत को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। सूरज बर्फ को पिघलाते हुए येलोस्टोन को सर्दियों की इस गहरी नींद से जगाकर इस पार्क को जीवन से भर देता है। एक कायोटी सूरज की किरणों से गर्मी हासिल कर रही है और इसके कान बर्फ के चटकने की आवाज से चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन ये आवाज सिर्फ इसे ही नहीं सुनाई देती। इसका झुंड उत्सुक भी है और रोमांचित भी। ये जानते हैं कि बर्फ के नीचे से और ज्यादा खुराक निकल कर आएगी और ये एक झुंड के तौर पर ये देखने निकल पड़ते हैं कि आखिर बर्फ कहाँ पिघल रही है। इस झुंड को थोड़ी दूर पर एक गंध मिलती है। हालांकि ये ताजा मांस पसंद करते हैं, लेकिन स्कैवेंजिंग का ये कोई मौका भी जाने नहीं देते और खुराक की तलाश में रोजाना 5 से 16 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। ये अक्सर ही जमी हुई नदियों को अपने सफर के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो नदियां पार करना मुश्किल हो सकता है। कई महीने बाद पहली बार आज सूरज निकला है तो ये खेलने लगते हैं। बर्फ पिघलने के साथ ही पानी बहने लगता है और पानी के साथ येलोस्टोन के सभी जीवों के लिए खुराक की मात्रा भी बढ़ जाती है। झरनों के जरिए ढेर सा पानी पार्क से होकर बहने लगता है, जिससे पूरे इकोसिस्टम के लिए जिंदगी गुलजार हो जाती है। ये मेल हॉक सर्दियों के लंबे प्रवास के बाद पार्क लौटा है। पेड़ की एक ऊंची शाख पर उसकी फीमेल साथी बड़ी तसल्ली से इसके लौटने का इंतजार कर रही है। बर्फ पिघलने के साथ ही ब्रीडिंग का सीजन शुरू हो जाता है। ब्रीडिंग का ये सीजन फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर पूरे मार्च चलता है। माइग्रेशन के दौरान रेड टेल्ड हॉक्स अक्सर अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से फिर मिलने के लिए ये हमेशा उसी इलाके में लौटते हैं। ये तभी एक नया साथी चुनते हैं जब दोनों में से किसी की मौत हो जाए।
इस जोड़े का मिलन सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही चलता है, लेकिन ब्रीडिंग के सीजन के दौरान ये दिन में कई बार मिलन करेंगे। मेल इस पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाने में फीमेल की मदद करेगा, लेकिन अंडों को इनक्यूबेट करने की बुनियादी जिम्मेदारी फीमेल की ही होगी। चलिए हम इन दोनों प्रेमियों को थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं। पार्क की बर्फ पिघलने लगती है तो ग्रिजलीज हाइबरनेशन से बाहर आने लगते हैं। अपनी मांद में 5 से 7 महीने बिताने के बाद अब ये भूखे हैं और खुराक ढूंढ रहे हैं। ग्रिजली भालुओं की सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। इसे पास ही मौजूद तालाब से किसी चीज की गंध आई है। इसमें कुछ ऐसा है जिसे इसने हासिल करने की ठान रखी है। एक कम उम्र बॉल्ड ईगल जांच पड़ताल के लिए उड़ान भर रहा है। सर्दियों में अक्सर बड़े जानवर ऊंचाइयों से गिरकर मर जाते हैं, जो नए साल की एक आसान खुराक साबित होते हैं। इतनी बड़ी खुराक मिलने के बावजूद ये अकेला इसे नहीं खा पाएगा। स्कैवेंजर्स हमेशा आसपास मौजूद होते हैं और उन्हें बस इंतजार करना होता है। पार्क में 3 गहरी कैनियंस मौजूद हैं। इनकी दीवारें वोल्केनिक टफ से बनी हैं, जिस कारण ये आसानी से टूट और बिखर जाती हैं, खासकर बर्फ के पिघलने के दौरान। यहीं पर हमें एक कौवे का घोंसला मिलता है, जो कैनियन वॉल में बना हुआ है। ऊंचाई पर होने के कारण इसके चूजे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन चट्टानों और नीचे मौजूद तेज बहाव वाली नदी के कारण हालात थोड़े नाजुक हो जाते हैं। माँ पास ही खुराक ढूंढ रही है कि तभी वो अपनी चूजों की आवाज से चौकन्नी हो जाती है। कौवा एनिमल किंगडम के सबसे अकलमंद जीवों में से एक है और बुद्धिमानी के मामले में ये चिंपैंजीज और डॉल्फिन्स के समान ही है। माँ और पिता दोनों को ही चूजों को सुरक्षित रखने और उन्हें गर्म रखने का रोल निभाना होता है। सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही चूजों के पंख उगने लगते हैं। जैसे जैसे चूजे बढ़ते हैं, वैसे वैसे खाने की उनकी मांग भी बढ़ती है। माँ और पिता आसपास से खुराक जुटाने के काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन साथ ही ये घोंसले पर भी नजर रखते हैं कि कहीं उस तरफ शिकारी तो नहीं आ रहे। फीमेल रेवन अपने इलाके को और जरूरत पड़े तो खुराक के स्रोतों को भी सबसे बचा कर रखती है। हम
हमारी कायोटीज अपनी नाक की मदद से ग्रिजली तक पहुंच गई हैं। कायोटीज चुपके चुपके ग्रिजली के करीब आते हुए उसके मिजाज को भांपती रहती हैं। वो इस खुराक को आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगी। खुराक की गंध को छिपाने के लिए ग्रिजली इसे घास से और अपनी गंध से भी कवर करने लगते हैं। ये इस खाने को किसी और के साथ शेयर करने वाला नहीं है। इसकी खुराक अब ठीक से छिप गई है। इसने फिलहाल भरपेट खा भी लिया है तो ये आगे बढ़ जाता है। भूखी कायोटीज बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करती और छिपे हुए निवालों को खाने के लिए आगे बढ़ती है। बसंत के मौसम के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता और इससे ये कड़वी हकीकत फिर सामने आती है कि येलोस्टोन में जिंदा रहना अब भी मुश्किल है। ये एल्क अपने झुंड से बिछड़ गया है और ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। मैगपाइज की मौजूदगी इस बात का एक और संकेत है कि इस एल्क की हालत खराब है। मैगपाई भी बहुत अकलमंद पक्षी होता है और ये अंदाजा लगा लेता है कि एल्क की सेहत ठीक नहीं है। सर्दियों के दौरान खाने की कमी सभी जीवों का इम्तिहान लेती है और बदकिस्मती से ये एल्क शायद इसकी चुनौती को झेल नहीं पाया है। झुंड करीब है लेकिन वो भी ये भांप लेता है कि उनके साथी की हालत ठीक नहीं है और वो उससे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। जल्द ही मैगपाई के पास इस एल्क की पीठ पर से सिर्फ मक्खियों और टिक्स को खाने के अलावा और भी बहुत कुछ बचा रहेगा। बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है और पार्क में जीवन की गहमा गहमी भी बढ़ती जाती है। मस्त मौला रिवर ऑटर शायद सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है। तीन ऑटर अपनी माद से निकलते हैं और ये बड़ी बेफिक्री के साथ पानी की तरफ बढ़ते हैं। ऑटर्स पर बर्फीले ठंडे पानी का कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी बालों की जलरोधी मोटी परत इन्हें हिफाजत और इंसुलेशन देती है। पानी में घुसने के दौरान इनके नथुने और कान बंद हो जाते हैं जिससे पानी अंदर दाखिल नहीं हो पाता। कोई इंसान इस पानी में चंद मिनटों में ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा लेकिन ये ऑटर्स इसमें पूरा दिन गर्म बने रहते हैं। किसी रिवर ऑटर की जिंदगी बेहद सरल होती है। ये शिकार करते, तैरते, अपने हैबिटेट बनाते और साथ साथ खेलते रहते हैं।
मौसम बदलता है तो नए बच्चे दिखाई देने लगते हैं और शिकारी नए शिकार की तलाश में मंडराने लगते हैं। इस माउंटेन लायन को पास ही किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। एल्क जिंदा नहीं बच पाया तो इसके अवशेषों की दावत उड़ाने के लिए ज्यादा मैगपाइस इकट्ठी हो गई हैं। हमारा माउंटेन लायन किसी शिकार को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता तो परेशान करने वाली मैगपाइस की तो औकात ही क्या है। ऐसा कम ही होता है कि माउंटेन लायन पहले से मरे किसी जानवर को खाए, लेकिन अगर उसके लिए खुराक की कमी हो जाए तो ये हाल ही में मरे किसी जीव को खुशी खुशी खा लेता है। एल्क को सूंघने पर लायन तय करता है कि ये मांस ज्यादा पुराना है और खराब हो गया है। आखिरी बार इस पर एक नजर डालकर ये इसे स्कैवेंजर्स के लिए छोड़कर खुद शिकार का कोई मौका तलाशने निकल जाता है। मैगपाई के लिए ये दिन अच्छा रहा। इधर कौवे के घोंसले में चूजे इतने बड़े हो गए हैं कि घोंसले में समा नहीं पा रहे हैं। घोंसले में इन सब के लिए अब जगह नहीं है। कौवे के हमारे ये चूजे बड़े और सेहतमंद हैं और माँ अब भी इनकी देखरेख करती है। जल्द ही इनके लिए उड़ना सीखने का वक्त आ जाएगा। बर्फ पिघलती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है। पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ बहने लगता है। पानी की मात्रा बढ़ती है तो उसकी रफ्तार भी तेज हो जाती है। माइग्रेट करते झुंडों को एक से दूसरी जगह जाने के दौरान इन उफनती नदियों का सामना करना पड़ता है। बाइसन बड़े और भारी जीव हैं और अक्सर इनका वजन 900 किलो तक हो जाता है। कई छोटे जानवरों के मुकाबले ये कई ज्यादा आसानी से इन दमदार नदियों को पार कर सकते हैं, लेकिन ये काम फिर भी एक चुनौती तो है ही। इधर हिरणों के सामने एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है। अपनी छोटी कद काठी और हल्के वजन के कारण ये पानी के बहाव में बह सकते हैं। ये झुंड तेज बहाव में फंस गया है। इनमें से ज्यादातर सामने वाले किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बह भी जाते हैं और तब झुंड से बिछड़ने के बाद इनके लिए खतरा बढ़ जाता है।
हमारी रेवन फैमिली के साथ एक हादसा हो गया है। बसंत के एक तूफान के दौरान इनका घोंसला बह गया, तो इन्हें मजबूरन समय से पहले उड़ना सीखना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर तो इस कोशिश में कामयाब रहे, लेकिन एक की रफ्तार ज्यादा ही धीमी रही। समझदारी दिखाते हुए माँ जल्द से जल्द दोबारा घोंसला बनाना शुरू कर देती है। चूजे जितने ज्यादा समय तक जमीन पर रहेंगे, किसी शिकारी द्वारा उन्हें खाए जाने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब अपने बाकी परिवार को बचाने की जिम्मेदारी इस मां पर ही है। एक घायल चूजा अपनी चोटों के कारण मर गया है, लेकिन इस समर्पित मां की वजह से दूसरे चूजों के जिंदा बचने की काफी गुंजाइश है। पास ही हमारी फीमेल रेड टेल्ड हॉक अपने साथी के साथ हुई कामयाब ब्रीडिंग के नतीजे में अपना घोंसला बना रही है। ये अक्सर एक बार में 1 से 3 अंडे देती है। अंडे 28 से 35 दिनों तक इनक्यूबेट किए जाएंगे और फिर अगले 2 से 4 दिन के अंदर उनमें से बच्चे निकलेंगे। 4 महीने के बाद ये घोंसले को पूरी तरह छोड़ देंगे। पिघलती बर्फ के साथ नई जिंदगियां दिखने लगती हैं, दिन गर्म होने लगते हैं। बसंत के साथ ही सजीव होने लगती हैं खुराक, जीवन और कम्युनिटी से जुड़ी उम्मीदें भी।